कैपेसिटेंस सी द एक चार्ज्ड कैपेसिटर कंसीडर करो जिसमें दोनों प्लेटा दरमियान एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप विच स्टोर्ड है। जे चार्ज्ड कैपेसिटर नू इंडक्टर एल दे नाल कनेक्ट कर दिता जावे तो ए इंडक्टर नू करंट मुहैया करता है जिस कारण इंडक्टर दे अंदर एक ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होंदी है अते इस करके एलसी ओसिलेशंस पैदा होंदिया हन। बदले विच इंडक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है जो कि ग्रोथ ऑफ करंट का विरोध करता है। इस तरह कैपेसिटर कुछ समय विच पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। पूरी तरह डिस्चार्ज होने तो बाद इसकी स्टोर्ड एनर्जी इंडक्टर दी मैग्नेटिक फील्ड के रूप विच प्रवर्तित हो जाती है। जिवें ही कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है अते इंडक्टर नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी वाइंड अप होना शुरू कर देंदियां हन। इस कारण इंडक्टर विच अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंदी है जो कि कैपेसिटर नू ऑपोजिट पोलैरिटी नाल चार्ज करना शुरू कर देंदी है। हुण इंडक्टर विच मैग्नेटिक फील्ड दे रूप विच स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर दियां प्लेट्स दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है। इन केस द सर्किट डज नॉट पोजेस एनी ओमिक रेजिस्टेंस द कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड टू द सेम इनिशियल वैल्यू। आफ्टर गेटिंग चार्ज्ड फुल्ली इट विल डिस्चार्ज अगेन सेंडिंग करंट थ्रू द इंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड देयर बाय कॉजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स टू लिंक विद इंडक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। As before, after the complete discharge of capacitor, the magnetic flux linked with the inductor starts winding up. As a result, the induced EMF so produced charges the capacitor such that polarity of the plates is opposite to that in the previous case, that is, the same as it was in the beginning. The process then repeats itself indefinitely and the electromagnetic oscillations are produced. The oscillations are produced due to continuous conversion of energy in the form of electric field into magnetic fields and vice versa.